रही हूँ इश्फाक। वो क्या? वो जो आपसे शादी के फौरन बाद से होना शुरू हो गई थी। खुश? नहीं, वो जो आपकी फूफी के इंतकाल पे हो गई थी। अरे मेरे फूफी के इंतकाल पे भी तुम बहुत खुश हुई थी मोमो। चपरान। अच्छा भाई, अच्छा मान लिया कि तुम उनके इंतकाल पर बहुत दुखी हुई थी। हाँ दुखी, मैं ना आज बहुत दुखी हूँ। क्यों? मुझे प्लैटिनम बहुत याद आ रहा है। अरे कौन प्लैटिनम? आपका बेटा रफीक। महमूद? नहीं महमूद का नहीं, वो सिर्फ आपका ही बेटा है कसम से। हाँ रेशम, तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अलग से एक बंगला लेके दूंगा और उसमें एक बड़ा सारा चौकीदार भी रख के दूंगा। ओके बाय। चौकीदार रख के दूंगा नबील? जानू वो ना, मैं तो एक लड़की से मजाक कर रहा था। खुद तो तुम मेरे पापा के दिए हुए बंगले में रहते हो और दूसरी लड़कियों को तुम बंगलों के काब दिखा रहे हो। शर्म करो नबील, तुम्हारी एक बेटी भी है यार। जानू तो उसी के लिए तो कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। सोचो उसकी 3-4 माएं होंगी तो कितनी अच्छी परवरिश होगी उसकी। शरम नबील। ओके जानू। चांदी के हॉस्टल से फोन आया था, बच्चे आज घर आ रहे हैं और वो भी अपने रिजल्ट के साथ। तुम टेंशन मत लो, चांदी का रिजल्ट अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत अकलमंद है मेरी बेटी, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। अच्छा? हाँ जानू, इल्क समंदर है तुम्हारा चोर। तुम्हें पता है स्कूल में मुझे क्या कहते हैं सब प्यार से? सुकरात सुकरात। अब ये कुछ ज्यादा हो गया नबील। तुमसे अपने शौहर की काबिलियत बर्दाश्त नहीं होती, हासिद औरत। शराब नबील, बच्चों के आने की तैयारी करो। चलो माँ जी और महमूद साहब को बताते हैं। चलो चलो। नाम की खूबसूरत। अरे नहीं जानू, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। आज हमारी आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी। कितना प्यारा, कितना कुछ मसूंगा, भोंदू जैसा मसूम आदमी है ये। काश मेरे पास भी ऐसा शौहर होता। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे पास मैं हूँ। ओए मुश्ताक, टीवी क्यों बंद किया? इसी एपिसोड में उसने करोड़पति हो जाना था। और ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सोने की बात कर रही थी। हाँ तो आपने कौन सा मुझे सोना खरीद के दे देना है? मुबारक 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 मुबारक, माँ जी मुबारक हो, बच्चे आ रहे हैं। खुशोबशे, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ रबीना। हम सोना और चांदी की बात कर रहे हैं माँ जी। अच्छा तो तूने नाम भी सोच लिया अभी से बच्चों के? अरे मोमो, वो हमारे बच्चों की बात कर रही है, सोना चांदी जो हॉस्टल में है। हाय मेरा बच्चा कब आ रहा है मुस्तकीन? आज ही आ रहे हैं माँ जी, रिजल्ट लेकर। देख लेना मेरा सोना फर्स्ट आएगा। बस मेरी चांदी टॉप करेगी स्कूल में। जहानत तो उसे अपने बाप से विरसे में मिली है। वो जो विरसे में उसे अपने बाप से मिली है वो जहानत है? हाँ जी। चल रिजवाना, चल के बच्चों के आने की तैयारी तो करें। हाँ चले चले। और आप दोनों भी जाए सामान लेकर आए भाई जल्दी से। जानू पैसे तो दे दो। दे रही हूँ। ओके जानू। माँ जी आप किचन में चले। आज वो चले। आज तुमने ऐसा लजीज खाना बना ले कि महमूद साहब याद रखे चांदी के फर्स्ट आने की खुशी में कैसा खाना बना। अरे सिर्फ चांदी क्यों भाई, देख लेना सोना भी फर्स्ट आएगा। हाँ इश्फाक, तांबा बिल्कुल अपनी माँ की तरह इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट माँ जी? हाँ हाँ वही वही। हाँ वो भी। और बस करे महमूद साहब, जानू तुम पापा जी को कॉल लगाओ, हो सकता है पापा जी अपनी नवासी के अच्छे रिजल्ट की खुशी में हमें अमेरिका में पार्टी दे रहे। अमेरिका में? लेकिन पापा तो लाहौर में। ओ यार जानू, पापा जी इतने बड़े हैं तो पार्टी भी तो बड़ी जगह में होनी चाहिए ना यार। शराब नबील। ओके जानू। हाँ इश्फाक, आप ना जाके फूलों के हार और ढोल वाला बुला के ले, मैंने अपने पुत्र के रिजल्ट की खुशी में भंगड़ा डालना। अरे मोमो उसका रिजल्ट आ रहा है, कोई शादी तो नहीं हो रही उसकी? ना महमूद साहब का उर्स हो रहा है माँ जी। और ना नबील के? ये बच्चे भी देखते हैं प्रोग्राम। ओ महमूद साहब एक बात बता दूं आपको, सोने का रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं आना, चांदी का रिजल्ट बेहतरीन होना है। नबील मेरा बेटा बहुत जहीन है। हाँ मैंने खुद बड़े बड़े फर्रे बना के भेजे थे एग्जाम से पहले, फिर तो वो पास भी हो जाए बड़ी बात है। चुप है, सब्जी काट। जरा फिर नबील हम फूलों की पत्तियां ले आए। हमने जो लेके आनी है वो फूलों की पत्ती है। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो आज वो आज वो आज वो यार महमूद साहब। हाँ क्या है?
यार फूल और पतियों के पैसे आप देंगे? क्यों भाई, मैं क्यों पैसे दूंगा? क्यों, आपके बेटे का रिजल्ट नहीं आ रहा? तो तुम्हारी बेटी का रिजल्ट नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, काम कर लेते हैं, आधे आप दे दें, आधे मैं दे देता हूँ। अरे शर्म करो यार नबील, इतना छोटा सा तुम्हारा भाई है, अब उसके लिए फूल पत्तियों के पैसे मांगोगे तुम? महमूद साहब बस कर दे, पहले वो आपका बेटा बाद में मेरा भाई है यार। अच्छा एक काम करो यार, मुझे ना तुम उधार दे दो, मैं 2-3 साल में ना तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। महमूद साहब 400-500 आप 2-3 साल में उतारेंगे यार? देखो नबील, वो कहते हैं कि किसी के लिए आसानियां पैदा करो, रब तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं आप मुझे। आए हाँ चलो आए। आप लोग तैयार हैं माँ जी? बच्चों आ गए। बचा भाई ढोल बचा। सारी बातें यही करेंगे, आओ ना अंदर चलते हैं। मैथ्स में 97%, उर्दू में 94%, जनरल नॉलेज में 98%। चांदी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वाओ, थैंक यू मामा। पता है आपके कार्ड में गोल गोल बड़े बड़े देसी अंडे क्यों नजर आ रहे हैं हर जगह? क्योंकि सोना फेल हो गया माँ जी। हाय लोए, तू फेल हो गया? ये सब क्या है सोने? महमूद साहब, आपने ही तो बोला था कि पढ़ाई की टेंशन मत लेना, मैंने नहीं ली। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको बड़ी वो दे रखी है। अरे मैंने इसे कुछ नहीं दिया यार। क्यों, आपने मुझे पड़ोस वाली आंटी को खत देने के लिए नहीं कहा था, भूल गए आप? माँ जी देख लिया आपने, आपके शौहर की इन्हीं हरकतों की वजह से ये वाला बेटा आपका बिगड़ रहा है। चल पुत्र पीतल, तेरी उस्तानी से आज खुद बात करती हूँ चल के। आज वैसे भी हमारी टीचर यहाँ आने वाली है। क्यों, वो क्यों आने वाली है? अफसोस करने? सोने के रिजल्ट का? नहीं, आपकी डेथ का। क्या? हाँ महमूद साहब, सोना ने तो टीचर को ये बोला था कि वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई है। सोने के बच्चे? अरे इसे इतना बड़ा झूठ बोला है, भला जीते जी को अपने बाप को मारता है? यार खूबसूरत, समझाओ ना इन्हें, मारना किसी मसले का हल नहीं होता। अच्छा तो क्या है इसका हल? ओ यार तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया सोना, अब देखना स्कूल से नाम कट जाएगा तुम्हारा। सिर्फ मेरा नहीं, चांदी का नाम भी कटेगा नबील। हेलो, चांदी का क्यों कटेगा भाई? आखिर इसने भी तो झूठ पे पर्दा डाला है। देख लिया ना नबील, मैंने कहा था ना चांदी को सोने की सोबत से दूर रखो। मैं बता रही हूँ मेरी बच्ची का नाम नहीं कटना चाहिए स्कूल से। अच्छा जानू, इसका बस एक ही हल है। क्या? महमूद साहब को मरना होगा। नबील, तू मेरे मिये को कत्ल करना चाहता है? ओ माँ जी, हम सोने की टीचर के सामने ये जाहिर करेंगे कि सोने ने बिल्कुल सच कहा था, और होगा क्या, वो आएगी अफसोस करेगी और चली जाएगी। इस तरह हमारे बच्चों का स्कूल से नाम नहीं कटेगा, कैसा आइडिया? क्या प्लान है तेरे भाई का, बोल। हाँ बहुत ही बुरा प्लान है, सोने को उसके झूठ की सजा देने के बजाय आप लोग उसे बचा रहे हैं, क्या सीखेंगे बच्चे? ओ जानू, मैं तो तुम्हारे पापा जी के पैसे बचा रहा हूँ ना, स्कूल से नाम कट गया तो नए स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा ना बच्चों को, उनके लाखों रुपए लग जाएंगे यार। ये आवाज कैसी है? ये मेरे दिल की आवाज है। हसीन लड़की कौन हो तुम? तुम? मैं टीचर हूँ। मुझे भी अपनी क्लास में ले ले प्लीज। जी सच, आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गई? मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ? आप शाम को समंदर के किनारे कैंडल लाइट में डिनर करते करते पढ़ा सकती हैं? मेरा मतलब है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब हो जाएंगे तो पढ़ा लीजिएगा। वैसे आपको बच्चे कितने पसंद है?
43 जी 43 बच्चे हैं मेरी क्लास में से, जिसमें से एक बच्चा सोना भी है। ओ ओ ओ अच्छा 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 आप सोने की टीचर हैं, तो बस इसको आप अपना ससुराल ही समझें। जी अब मेरा मतलब आई एम सॉरी अपना घर समझें। आइए 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 आइए, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसको अपने घर समझें। आइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। आइए 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 माँ जी, ये है सोने की भाभी। मेरा मतलब है सोने की टीचर। आंटी जी संभाले अपने आप को। बड़े अच्छे आदमी थे शफीक, बड़े अच्छे आदमी थे शफीक। लेकिन सोने के फादर का नाम तो महमूद था ना? नहीं, वो तो कफील के अब्बा का नाम था। लेकिन आपका बेटा तो सोना है ना? नहीं बहन, मेरा बेटा तो हीरा है हीरा। इनका क्या करें? महमूद साहब आप जल्दी से बाथरूम में छुप जाएं। अरे भाई मुझे एक दफा देख तो लेने दो, तुम्हारी टीचर है कैसी? महमूद साहब वही है जिनसे आप स्कूल में मिले थे। नबील अब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप वापस हॉस्टल कब जा रही हैं? वो आज शाम 5 बजे मेरी फ्लाइट है, क्या मैं तब तक रुक सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्या मसला है भाई, आपका अपना घर है, आप बच्चों की टीचर है, आप बिल्कुल रह सकती हैं। ठहरे मैं चले, मैं आपको आपका कमरा दिखा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको आपका कमरा, आइए आइए मेरे साथ। चलो तुम दिखा लो जादू। माँ जी आप हौसला करें, आप हौसला ही करें। हेलो टीचर। हेलो, क्या हाल है बच्चों? हम ठीक हैं टीचर। आप बाथरूम में फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्या बात है सोना, क्या है अंदर? मम्मा आप खुद देख लें आके। मैं देखती हूँ। हाँ वो बाथरूम में ना बहुत मोटी छिपकली है, आई थिंक आपको ये बाथरूम नहीं यूज करना चाहिए। आइए मैं आपको दूसरा बाथरूम। हाँ ठीक है चलो। आ जाए। शुक्र है ओफ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। बार की देखी जाएगी। क्या 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 हुआ? जो कहना चाहती हो कह दो आज। वो ना मैं बहुत। हाँ हाँ भाई मैं भी बहुत चाहता हूँ तुम्हें। क्या? तुम्हारा जो भी सवाल है मेरा जवाब हाँ में ही है। वो मैंने ना महमूद साहब को लॉन में देखा, वो ना मेरे पीछे खड़े थे। क्या इस घटिया आदमी को मर के भी सुकून नहीं आ रहा? मैं ना बहुत डर गई उन्हें देख के नबील। अरे उन्हें देख के तो अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती है, मुझे लगता है आपको वहम हो गया, वो तो मर चुके हैं। हाँ मुझे लगता है आप ठीक ही कह रहे हो, लगता है कि मेरा वहम ही है। आप ना महमूद साहब को अपने दिमाग से निकाल दे, मेरे बारे में सोचें आप। क्या? मेरा मतलब है जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में सोचें। लेकिन आप तो कुछ नहीं कह रहे। अरे आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं कह ही देता हूँ। नबील आया जानू, मैं फिर किसी वक्त आपको बता दूंगा, आप डरे नहीं, रिलैक्स हो जाए, मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। ओके सब क्या हो गया है यार आपको, अपने गैर इखलाकी जज्बात पे काबू करें आप यार। जब तक वो टीचर नहीं जाती कमरे में रहें यार, कमरे से बाहर क्यों आ गए आप? या नबील अंदर बैठे बैठे ना मेरा दिल घबरा रहा था, काऊ माऊ कर रहा था। अच्छा आपका दिल घबरा रहा था, ये टीचर चली जाए, ये जो अपना फैमिली डॉक्टर है ना डॉक्टर बावला, उसको बुलाकर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करवाता हूँ। अब इतना भी नहीं घबरा रहा मेरा दिल नबील, मैं तो बस उसे देखने आया था जरा। महमूद साहब अगर आपके बेटे का झूठ पकड़ा गया ना तो एक बात याद रखिएगा,
चांदी का नाना ना तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा देगा उसका, लेकिन आपका बेटा सोना किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। नहीं 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 भाई नबील, ये सरकारी स्कूल की जो टीचरें होती है ना, अरे बहुत ही पुख्ता उम्र की होती है भाई। महमूद साहब, खुदा का नाम माने, आपकी उम्र के साथ तो शक्ल भी पुख्ता हो गई है, बड़ा आप लोहे का आलू लगते हैं। यार नबील, मुझे लगता है मुझे ना मोहब्बत हो गई है। इस उम्र में आपको पथरी हो सकती है गुर्दे में, महमूद साहब आपको शुगर हो सकती है, आपको मिर्गी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती महमूद साहब आपको। देखो नबील जरा गौर से, तुम्हें मेरी आंखों में उसके लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही। महमूद साहब, मुझे आपकी आंखों में सफेद सफेद मोतिया नजर आ रहा है, आपकी आंखों का ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरे इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। अरे तुम्हारी माँ जो है ना, मुझे हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा कहकर बुलाती है। खुदा का नाम माने महमूद साहब, फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद का मुंह मिलाकर आपका मुंह बनता है। भील, अगर एक भी लफ्ज और तुमने मेरे मुंह के बारे में बोला ना, तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। महमूद साहब, किस ठरकी बूढ़े जिन की रूह आ गई है आप में यार, खुदा का नाम माने यार, कंट्रोल करें, कंट्रोल करें यार, अपना तो मेरे कुछ ख्याल करें यार। जाए कमरे में। अच्छा ना, जाता हूँ, पहले तुम जाओ। जा रहा हूँ। यहाँ कुछ ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है दूसरी खिड़की से देखता हूँ, आखिर ये कर क्या रही है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। हाँ हाँ। अरे अरे, क्यों मार रही हो मोमो? आप उस्तानी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़े क्या कर रहे हैं मश्ता? वो अरे, इतनी मिट्टी पड़ी है खिड़कियों पे, मैं तो वो साफ कर रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे दाल में वो क्यों नजर आ रहे अख्तर? महमूद। हाँ, मुझे दाल में वो क्यों नजर आ रहे महमूद अख्तर? हाय, वो टीचर इधर ही आ रही है, भागे। आप ये छुप छुप के किससे मिल रही थी? हाय, मैं तो किसी से छुप छुप के नहीं मिल रही थी उस्तानी जी, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। अच्छा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, मेरी नजर भी तो खराब है ना थोड़ी। तो आप बातें किससे कर रही थी? इन फूलों से, पौधों से। मैं ना इन फूलों से बड़ी बातें करती हूँ अस्तानी जी। अच्छा, फिर मुझे कौन नजर आ रहा था? आपको शायद दिलावर की रूह नजर आ रही होगी उस्तानी जी। दिलावर? इस घर में कितने लोगों की मौत हुई है? बस मेरे शोहर सिदाकत की। अरे, आपके कितने शोहर थे बीबी? पता नहीं उस्तानी जी, याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। आपके ना गैस चढ़ गई है सर में, आप कमरे में आराम करें जाके। प्लीज प्लीज। ओए दिलावरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ। यार महमूद साहब, आप फिर बाहर आ गए यार। यार महमूद साहब, आपको मर के भी चैन नहीं है यार। आपकी वजह से बच्चे स्कूल से निकाले जाएंगे। अरे यार नबील, अंदर बच्चों के साथ खेल खेल के मैं बोर हो गया यार, मुझे भी अंदर बैठा। ये देखे, ये रे महमूद साहब, ये मुझे नजर आ रहे, ये देखे, ये देखे। कहाँ है, कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ हम तीनों है। हाँ, हमारे अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। पुत्र, इतने बड़े मुँह वाला इश्फाक तुझे नजर नहीं आ रहा? माँ जी, महमूद साहब मर चुके हैं, आप फिर भूल गई हैं। हाँ हाँ, मुझे भी ना इस सोफे पे दोनों हाथ बांध के बैठा हुआ रमीज नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि सिर्फ मुझे ही महमूद साहब की रूह दिखाई दे रही हो। माय गॉड, भाग। हाय हाय, ये रूह मेरी तरफ बढ़ी है। हाय, बचा ले, बचा ले। यार आप लोगों ने पका दिया यार, टीचर थी बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी याद आएगी जानू। शराब नबील। ओके जानू। आई मुश्ताक ने इतना डराया उस्तानी को, क्या बनी आने की कभी। लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों का किसी झूठ में साथ नहीं देने वाली, प्लीज याद रखिएगा ये चीज। मेरे अजीज जानू, अगर तुम्हें इतना बुरा लगा है तो मैं जाके उस्तानी जी से माफी मांगता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ओके जानू।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतना बड़ा झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। कसम से ये मर चुके हैं, बताए ना मरदूद। महमूद। हाँ महमूद को बताए ना मरदूद। वो तो अच्छा हुआ कि चांदनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आप लोगों ने ना झूठ बोलने की हद कर दी थी। चांदनी ये क्या किया तुमने भाई? महमूद साहब झूठ बोलना बुरी बात है जी, और इसीलिए चांदी को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन सोने के लिए ना आप लोग किसी और स्कूल का बंदोबस्त कर लें। चल यार चल, उस बार चल दुनिया।